नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइंग्स के बारे में, यानी अगर आप मकान बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी ड्राइंग की आवश्यकता होती है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, काफी लोगों को पता नहीं होता है कि उनके मकान में कौन कौन सी ड्राइंग की आवश्यकता होती है। काफी लोग एक नक्शा बनाते हैं, उसके बाद 3D फ्रंट एलिवेशन या 3D फ्लोर प्लान, बस इतना बनाते हैं। वो कभी उन्हें पता नहीं होता है या सही तरह से कोई गाइड नहीं करता है, तो उसकी वजह से उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कौन कौन सी ड्राइंग्स लगती है, टेक्निकल ड्राइंग कौन कौन सी लगती है, जैसे कॉलम का ड्राइंग, बीम का ड्राइंग, स्लैब का ड्राइंग, फुटिंग का डिटेलिंग, लेआउट प्लान, सेंटर लाइन प्लान, कॉलम की स्टील डिज़ाइन, बीम की स्टील डिज़ाइन, फुटिंग की स्टील डिज़ाइन, इन सभी के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं हर एक ड्राइंग की इम्पोर्टेंस और उसका महत्व, क्यों उसको यूज में लेना चाहिए, क्यों उसको बनाना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आपका मकान अगर 1000 स्क्वायर फीट के अंडर का है तो फिर मैं बोलूंगा आपको कि नहीं, आपको इतने सारे ड्राइंग की कोई आवश्यकता नहीं। बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका मकान 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर है या 1000 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट है, 1300 स्क्वायर फीट है, तो ये ड्राइंग्स आपको कंपलसरी बनाना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि देखिए, कोई रूम 10x12 फीट का होता है, 12x12 फीट का होता है, कोई 15x16 फीट का होता है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वहां पे कॉलम का और बीम का सही प्लेसमेंट हो। ये ना हो कि देखिए, जब आपके पास ये ड्राइंग नहीं होती तो वही आप पुरानी ओल्ड मेथड 9x9 का कॉलम, 9x16 का कॉलम, 9x12 का कॉलम, कुछ भी उसमें बार डालेंगे, कुछ भी उसमें साइज रख देंगे, तो ये टेक्निकली बहुत बड़ा एरर होता है, टेक्निकली बहुत बड़ी दिक्कतें आती है बाद में आप सभी को। ये शुरुआत में तो हमें पता नहीं होता है, आप लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर की बातों में आ जाते हैं और आप 1000-2000 रुपए की बचत के चक्कर में अपना काफी बड़ा नुकसान करते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, हर एक ड्राइंग मैं आपको डीपली समझाऊंगा, मैं एक हमारे केस स्टडी बताऊंगा, हमारे क्लाइंट के लिए जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसी के ड्राइंग्स में आपको दिखाऊंगा और किस तरह से हर एक ड्राइंग की क्या इंपॉर्टेंस है वो जरूर देखिएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहे दोस्तों। तो बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे ड्राइंग्स किस टाइप से है दोस्तों। तो ड्राइंग में सबसे पहली ड्राइंग आ जाती है दोस्तों आपकी फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लानिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमारा ड्राइंग रूम का साइज क्या आएगा, पूजा रूम का साइज क्या आएगा, किचन का क्या साइज आएगा, बेडरूम का कहाँ आएगा, उसको कैसे एडजस्ट करना है, ये कंप्लीट प्लानिंग करते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें जरूरी नहीं कि आपका पहला प्लान फाइनल हो, इसमें हम पहला प्लान बनाते हैं फिर उसके बाद उसमें कुछ करेक्शन होते हैं, ये सब जितना भी प्लानिंग से रिलेटेड वर्क है, यानी जितना भी एडजस्टमेंट हमें करना है वो हम फ्लोर प्लानिंग करते हैं। हमारी फ्लोर प्लानिंग फाइनल होने के बाद ही हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका सबसे पहला प्लान जो कि सेंटर लाइन प्लान है। वीडियो दोस्तों लंबा जरूर होगा लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आज का, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। यहाँ पर सेंटर लाइन प्लान की मैं अगर बात करूँ तो सेंटर लाइन प्लान की जरूरत क्यों होती है हमें, देखिए हम जो कॉलम प्रोवाइड करते हैं, हम जो बीम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉलम और बीम पे ही हमारा पूरा का पूरा लोड कैरी होता है मकान का, जो कॉलम बीम स्लैब होता है जिसे हम फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं, उसी के ऊपर ऑल ओवर लोड आपका बैलेंस होता है मकान का। तो इसीलिए ये प्रॉपर अलाइनमेंट में हो, ये प्रॉपर लाइन में हो, उसके लिए हमें सेंटर लाइन की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे जो मैंने सेंटर लाइन प्रोवाइड किया, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट में है। इसकी वजह से क्या है कि आपका कोई भी कॉलम आगे पीछे नहीं होगा, 1 mm का भी आपका डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप विदाउट सेंटर लाइन प्लान लेआउट मार्क करते हैं, यानी मार्किंग करते हैं आपके मकान की, तो उसमें बहुत से चांसेस रहते हैं एरर के। तो काफ़ी लोग डायरेक्टली जैसे फ्लोर प्लान के बेस पे वो लेआउट मार्क करते हैं, तो मैं बताता हूँ वहाँ पे मिस्टेक्स क्या होती है। जैसे अभी मैंने ये सेंटर लाइन प्रोवाइड किया तो यहाँ पर ये जो पहला कॉलम है हमारा C1, ये 8 फीट 6 इंचेस के डिस्टेंस पे है, दूसरा हमारा 8 फीट पे है। तो ऐसे में अगर आपके पास प्रॉपर लेआउट नहीं रहता है, प्रॉपर सेंटर लाइन प्लान नहीं होता है, तो उसमें जैसे 2 इंच 4 इंच 6 इंच 7 इंच ऐसा फर्क आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ये फर्क आता है तो आगे चल के वो 6 इंच का फर्क आपका 1 फीट में चले जाता है, या फिर आपका डोर विंडो ढंग से लग नहीं पाता है हल्का सा उसमें, जैसे अगर आपका सेंटर लाइन प्रॉपर बराबर नहीं हो, वॉल का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हो, कॉलम प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं हो, बीम अलाइनमेंट में नहीं हो, तो उसमें जो डोर विंडो है वो बैठाते टाइम में आपका वो भी
प्रॉपर वे में नहीं बैठ पाता है, उसमें भी थोड़ा बहुत तिरछा या थोड़ा बहुत कहीं गैप आ जाती है, तो काफी कुछ दिक्कतें आती है जिसे हम टेक्निकल एरर कहते हैं। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिस्टेक्स काफी बड़ी हो जाती है दोस्तों। अब सेंटर लाइन प्लान हो गया, यानी आप लेआउट मार्क कर लेते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है फुटिंग का ड्राइंग, यानी फुटिंग क्यों जरूरी है अभी हमारी, तो ये देखिए यहाँ पे अभी फुटिंग है। अक्सर हम जब ड्राइंग नहीं बनाते हैं, फुटिंग की ड्राइंग हमारे पास नहीं आती है, तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी जो आपका ढांचा होता है, सबसे पहले जमीन खोदने के बाद आप एक फुटिंग बनाते हैं, तो सभी कॉलम के लिए आप एक जैसी फुटिंग करते हैं। ऐसा होता है, जनरली लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक ही साइज की सभी कॉलम के लिए फुटिंग करते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर किसी कंपनी से या किसी फर्म से आप स्ट्रक्चर डिटेल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जहाँ जितनी आवश्यकता है, अभी देखिए यहाँ पे C1 का हमारा अलग साइज है, C2 का अलग साइज है, C3 का अलग साइज है, C0 का अलग साइज है, तो कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग, लोडिंग के अकॉर्डिंग उसकी फुटिंग दी जाती है। अभी देखिए यहाँ पे हमने C1 अलग दिया है, C2 अलग दिया। अभी ये C2 जो दिख रहा है आपको, ये क्यों आधी ही फुटिंग हमने इसमें प्रोवाइड की है, क्योंकि ये इसका जो रीजन है, इसमें जो साइड से हमारा मकान बनाया ऑलरेडी, अब वो मकान बनाया तो हम दूसरे के प्रॉपर्टी में तो एक्सकेवेशन कर नहीं सकते, यानी दूसरे की प्रॉपर्टी में हम खुदाई कर नहीं सकते, इसीलिए हमने इसमें क्या किया, आधी फुटिंग की। तो फिर वो फुटिंग को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्टेप बीम प्रोवाइड किया, यानी फुटिंग के ऊपर आपको एक बीम मिलेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए नहीं समझ पाएगा, तो आप इतना ही समझिए कि जब आप किसी स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से या किसी अच्छे फर्म से डिजाइन बनाते हैं, तो वहां पे आपको एक फायदा मिलता है कि ये प्रॉपर कॉलम के अकॉर्डिंग, लोडिंग के अकॉर्डिंग आपको फुटिंग मिलती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कॉलम के बारे में। तो कॉलम का ड्रॉइंग होना बहुत जरूरी है, आपको एक बेनिफिट इससे ये मिलता है, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे एक C3 कॉलम है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जब कॉलम का ड्राइंग लेते हैं या कॉलम का ड्राइंग बनाते हैं, तो इसमें यहाँ पे आपका जैसे बीच में ही हम वॉल के बाजू में डोल दे देते हैं, तो उसके चक्कर में कैसा होता है कि हम कॉलम का ऑफसेट नहीं छोड़ पाते हैं। अगर आपके पास कॉलम का ड्राइंग है, कॉलम का ड्राइंग है, तो आपके लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पता होगा कि नहीं, इसको 3-4 इंच छोड़ के हमारा ऑफसेट आएगा। ऐसे थोड़ा और टेक्निकल काफ़ी बातें हो जाती है, मैं वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक ज़रूरी है कॉलम का ड्राइंग। उसके बाद आ जाता है आपका प्लिंथ बीम का ड्राइंग। अब प्लिंथ बीम मतलब क्या होता है, जैसे ही आपका सबसे पहले आप एक्सकर्वेशन करते हैं, फिर आप लेआउट फुटिंग करते हैं, फुटिंग करने के बाद हमारा एक फाउंडेशन में प्लिंथ बीम आ जाता है, तो प्लिंथ बीम बहुत ज़रूरी है। अब प्लिंथ बीम में भी अलग अलग टाइप के बीम हो जाते हैं। अब अक्सर लोग ग्राउंड फ्लोर में भी सेम बीम प्रोवाइड करते हैं, और फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर में भी सेम ही बीम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादा आपको हैवी रेनफोर्समेंट देने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे आप कम रेनफोर्समेंट का बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम PB1, PB2, PB3 जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमने बीम के साइज दिए हैं, उसमें रेनफोर्समेंट भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। अब ये तो बीम हो गए, बीम के बाद आपका आ जाता है स्लैब, आ जाता है कि प्लिन स्लैब में कैसा स्टील प्रोवाइड करना है। काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, प्लिन स्लैब में कोई स्टील प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सिंपल जाली जो है वो प्लिन स्लैब में फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए। इसी तरह आपका फर्स्ट फ्लोर बीम भी रहेगा दोस्तों, यानी फर्स्ट फ्लोर बीम और स्लैब का ड्राइंग भी कुछ इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पर मैं एक आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ कि बीम की ड्राइंग की आवश्यकता क्यों होती है हमें। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ, तो फर्स्ट फ्लोर में देखिए यहाँ पे आपको बीच में कोई कॉलम नहीं दिख रहा है, और ये जो रूम दिख रहा है आपको, ये हॉल दिख रहा है, वो 20x22 फीट का है, तो काफ़ी बड़ा हॉल है, और बीच में हमने कोई कॉलम रेस्ट नहीं किया है। ऐसे में यहाँ पर अभी हमने हैवी बीम प्रोवाइड किया है, यानी जो यहाँ पे बीच में आपको ये बीम दिख रहा है, ये PB2, ये PB2, ये हैवी स्टील का रहेगा, उसका साइज़ ज़्यादा रहेगा, तो वो लोडिंग कैलकुलेशन की जाती है, उसके बाद उसका साइज दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर अभी हमने जो बीम प्रोवाइड किया वो हैवी ग्रेड स्टील का है, साइज़ भी उसका बड़ा है। यहाँ पर मैं बीम की डिटेलिंग शीट भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से बीम की डिटेलिंग शीट रहती है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको PB1, PB2 दिख रहा है, जो कि हम फाउंडेशन में देते हैं, जिसमें साइज रहता है, बीम का साइज रहता है, उसमें टॉप बार, टॉप में कितने बार देना है, उसमें मिड स्पैन में कितने बार देना है, बॉटम स्ट्रेट कितना देना है, बॉटम कंटेनमेंट कितना देना है, एक्स्ट्रा टॉप कितना देना है,
रिंग का क्या साइज रहेगा, तो ये डिटेलिंग रहती है। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पर भी जैसे SB1 हो गया, SB2 हो गया, SB3 हो गया, तो ये हम प्रोवाइड करते हैं इस तरह से बीम में। मैं बीम का सेक्शन भी दिखाना चाहूँगा आपको कि बीम का सेक्शन किस तरह से होता है। इस तरह से बीम का सेक्शन दिया जाता है, इसमें आपको आइडिया आ जाता है कि मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्टर को समझने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है ये सेक्शन देने से। नेसेसरी नहीं है लेकिन अगर देते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद कॉलम का सेक्शन आ जाता है। देखिए हम कॉलम की ड्राइंग तो दे देते हैं लेकिन उसमें अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर को नहीं समझ में आ रहा कि उसमें कितने बार देना है, कैसे देना है, तो उसमें एक सेक्शन प्लान दिया जाता है कि किस तरह से उसकी पीसीसी रहेंगी, किस तरह से फुटिंग रहेंगी, किस तरह से उसका बार आएंगे, कितने स्पेस पे हमें कितने बार देना है, तो ये एक आइडिया आ जाता है सेक्शन प्लान देने से। इसके बाद रिंग किस टाइप से देना है ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप से रिंग देना है, जो कॉलम की रिंग होती है वो किस टाइप से हमें प्रोवाइड करना है वो देखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे वाटर टैंक का डिज़ाइन। तो वाटर टैंक का डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप 1500 स्क्वायर फीट के ऊपर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना बहुत ज़रूरी है। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने के लिए प्रॉपर ड्राइंग ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग ब्रिक्स में ब्रिक वॉल में ही वाटर टैंक बनवाते हैं तो उसमें क्या होता है काफ़ी दिनों बाद वो लीकेज हो जाता है और काफ़ी उसमें प्रॉब्लम आते हैं। तो इसीलिए अगर आप वाटर टैंक का डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो कंप्लीट RCC होना चाहिए, यानी उसकी वॉल भी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की होना चाहिए, उसका जो स्लैब है वो और जो होता है वो कंक्रीट का होना चाहिए। तो ये हमारी एक प्रॉपर वाटर टैंक की ड्राइंग है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं स्टेयरकेस की बात करूँ तो स्टेयरकेस का स्टील डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये आप ड्राइंग देख पा रहे होंगे तो उसमें स्टेयरकेस की पूरी डिज़ाइन है, स्टेयरकेस में कितने आपके स्टेप्स आएंगे, राइजर कितना आएगा, ट्रेड कितना आएगा, जिसकी वजह से आपको स्टेयरकेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आपका अनइवन प्रोजेक्शन नहीं होगा स्टेयरकेस का। तो प्रॉपर इसमें आपका जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आपका काम हो पाता है स्टेयरकेस की ड्राइंग की वजह से। अक्सर आपने देखा होगा कि अनइवन स्टेप्स आ जाते हैं स्टेयरकेस में या फिर आपका स्टेयरकेस बराबर नहीं बन पाता है, तो इसीलिए स्टेयरकेस का भी ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं अगर बात करूँ यहाँ पे आपको सेप्टिक टैंक डिज़ाइन की, तो सेप्टिक टैंक डिज़ाइन काफ़ी ज़रूरी है। सेप्टिक टैंक डिज़ाइन बनाते नहीं है लोग लेकिन फिर बाद में लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम आता है तो फिर दिक्कत होती है, तो इसीलिए प्रॉपर वे में हम एक सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें डोर विंडो डिटेल की, तो डोर विंडो डिटेल बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैसे तो अगर आप अपने मन के हिसाब से लगाते हैं डोर विंडो तो उसमें कहाँ कितने बाय कितने का लगाना है ये पता नहीं होता है, लेकिन अगर डोर विंडो डिटेल की आपके पास कंप्लीट ड्राइंग हो तो कहाँ हमें कौन सा डोर देना है, विंडो का साइज़ कहाँ पे कितना देना है, हमारे वॉशरूम के विंडो का साइज़ कितना रहेगा, किचन में विंडो का साइज़ कितना रहेगा, हॉल में कितना साइज़ देना है, तो ये एक आइडिया रहता है, एक प्रॉपर प्लानिंग रहती है हमारे पास। तो अक्सर हम क्या 15-20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर हमारे पास इस तरह का कोई डाटा नहीं है, इस तरह की कोई ड्राइंग नहीं है, तो कोई मतलब नहीं इतने बड़ा प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करने का दोस्तों। मकान हम एक बार बनाते हैं जीवन में, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ड्राइंग के ऊपर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, यानी ये ड्राइंग ज़रूर बनाएं दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइंग की, तो इलेक्ट्रिक ड्राइंग आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाती है। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि कहाँ पर कितना कहाँ पे स्विच बोर्ड होना चाहिए। जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमारा बेड आएगा तो बेड के अकॉर्डिंग उसका स्विच बोर्ड रहेगा, यहाँ पे लाइट किस तरह जाएंगी, हमारे बेड के नीचे बराबर फैन का पॉइंट होना चाहिए, तो ये आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेसिक इलेक्ट्रिक ड्राइंग होती है। अदरवाइज मैं डिटेलिंग में कहूँ या टेक्निकली इलेक्ट्रिक ड्राइंग की बात करूँ तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन ही दे पाएगा। इसके बाद 3D फ्रंट एलिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। 3D मतलब जब हम इतना बड़ा मकान बना रहे हैं तो उसका एक्सटीरियर डिज़ाइन कैसे दिख रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइन भी आता है लेकिन वो नेसेसरी नहीं है, आपका फाइनेंशियली बजट हो तो कर सकते हैं आप इंटीरियर डिज़ाइन, अदरवाइज आप उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो जितने ड्राइंग मैंने बताया वो बहुत ज़रूरी है, वो मकान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बनाते हैं आप थोड़े पैसों के बजट के लिए आप पूरे मकान का लॉस मत कीजिए, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अगर आप भी हमारे कंपनी से इस तरह के कंप्लीट ड्राइंग बनवाना चाहते हैं, आप भी अपने मकान के लिए आर्किटेक्चर ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग, 3D फ्रंट एलिवेशन, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, ये सभी बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। हमारी कंपनी रीजनेबल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड करती है, यानी काफ़ी अच्छे से सभी तरह की ड्राइंग आपको प्रोवाइड करती है और वो भी रिजनेबल प्राइस में। तो आप हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें और अपने मकान के लिए अच्छे से अच्छा नक्शा ज़रूर बनाएं। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।